चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 आज श्लोक संख्या 3। दो श्लोकों में भगवान ने बताया राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। भगवान ने इस दिव्य ज्ञान की महिमा बताई 8 विशेषणों का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले बताया राज विद्या समस्त विद्याओं का राजा है, अत्यंत ही गोपनीय ज्ञान है। राज गुह्यम पवित्रम पवित्रकारी है, शुद्ध करने वाला है। उत्तमम उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुभूति गम्य है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। सुसुखम कर्तुम, इसे संपन्न करना बहुत ही सुखदायी है। और अव्ययम, इसका जो फल है वो शाश्वत फल प्रदान करने वाला है। तो किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है यदि यह दिव्य ज्ञान इतना सुखदायी है तो सभी लोग इस दिव्य ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त करते, सभी लोग भक्ति की ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। भगवान इसी का उत्तर इस श्लोक में देते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। नौवें अध्याय का 3 श्लोक आप में से देखकर पढ़िए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना, सबसे पहला कारण है अश्रद्धा। अश्रद्धा यानी कि श्रद्धा शून्य, श्रद्धा का न होना। दूसरा पुरुषा यानी कि व्यक्ति को धर्मस्य, भगवान किस धर्म की बात करते हैं, जिस धर्म की बात पिछले श्लोक में भगवान ने की है, श्रेष्ठ धर्म पराधर्म भगवत भक्ति, ऐसा धर्म
दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक अपराधर्म और एक पराधर्म। यानी जिन मनुष्यों की श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य धर्म, यानी इस धर्म में परंतप, अर्जुन को संबोधित किया भगवान ने, हे परम प्रतापी, दूसरों को ताप प्रदान करने वाले, जिन मनुष्यों की श्रद्धा नहीं होती वे लोग इस ज्ञान में रुचि नहीं लेते। यानी आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होने के लिए सबसे प्राथमिक योग्यता क्या है? श्रद्धा। कहते भी हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। यानी श्रद्धा ही वह कीमत है जिसके द्वारा हम भक्ति को एक प्रकार से खरीद सकते हैं। कम श्रद्धा होगी तो आपको कम भक्ति प्राप्त होगी, अधिक श्रद्धा होगी अधिक भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अप्राप्य यानी कि वह प्राप्त नहीं करता। किसे? माम, भगवान कह रहे अपने बारे में, वह मुझे प्राप्त नहीं करता। तो फिर क्या प्राप्त करता है? निवर्तन्ते, बारंबार आता है, भ्रमण करता है। कहाँ भ्रमण करता है? मृत्यु संसार वर्तमनी, इस मर्त्य जगत में। इस संसार का नाम क्या है? मृत्यु संसार, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु मरणशील है। जिस वस्तु की भी सृष्टि हुई है उस वस्तु का प्रतिपल प्रति क्षण निरंतर नाश हो रहा है, वो बदल रही है। यहाँ शाश्वत कोई भी चीज नहीं है। हाँ, अंतर हो सकता है, थोड़ा समय की अवधि में अंतर होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त नहीं होते, श्रद्धा से युक्त यानी कि जिनका शास्त्रों में विश्वास नहीं, भगवान के भक्तों में विश्वास नहीं, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं भक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसे वर्णन किया है, एक्चुअली इतनी कोई भक्ति की महिमा नहीं है, अरे सभी शास्त्रों में एक ही बात लिखी गई है। तो इनका कहने का आशय क्या है? ये शास्त्रों में भी विश्वास नहीं करते। तो इसे कहते हैं अश्रद्धाना। श्रद्धा कहते हैं उस दृढ़ विश्वास को जो हमारे मन और बुद्धि के परे कुछ चीजें हैं, जो चीजें हमें समझ में नहीं आती फिर भी उनमें विश्वास रखना। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति की रुचि भोगों में होती है, तो कहने के लिए वो कुछ धर्म का अनुशीलन करने लगता है, मंडे मंडे, रविवार रविवार, एकादशी एकादशी, कुछ करने लगता है, कुछ साधन करने लगता है, पर उसका विश्वास नहीं होता सच में ही भगवान है और सच में ही मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है। बल्कि हो सकता है कि पारिवारिक दबाव में आकर एक ऐसा परिवेश मिल गया जिसके कारण कुछ धर्म का अनुशीलन करने लगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये भी उत्तम है, लेकिन व्यक्ति को दीर्घकाल तक इस अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी भक्त, जिन्हों कभी कभी भगवान का नाम ले लेते हैं। लेकिन ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से युक्त हो तो उत्तम भक्त बन सकता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। कौन व्यक्ति उत्तम भक्त है, कौन मध्यम भक्त है, कौन नौसिखिया कनिष्ठ भक्त है, ये निर्भर करता है किसके हृदय में कितनी श्रद्धा है। एक सामान्य व्यक्ति भी वही भगवान का नाम लेता है, एक उत्तम वैष्णव भी वही नाम लेता है, एक नौसिखिया भक्त भी उसी भगवान के विग्रह का दर्शन करता है, भगवान का एक शुद्ध भक्त भी उसी भगवान का दर्शन करता है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि भावना दोनों की अलग अलग होती है। तो कहते हैं कि बिना श्रद्धा के हम इस संसार में दो कदम भी नहीं चल सकते। तो ऐसा नहीं कि लोगों में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो है पर श्रद्धा धर्म में नहीं है, धर्मस अस्य इस प्रकार के धर्म में नहीं है। यदि मानो कोई व्यक्ति अभी मुश्किल में है तो यदि कहा जाए कि चलो वहां पे उस गांव में एक फकीर रहते हैं, अभी उनकी ओर उन्मुख हो जाएगा वो। यानी कुछ समय के लिए उसकी श्रद्धा अपने फायदे के लिए, अपने रोग को मिटाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, कोर्ट केस में जीत हासिल करने के लिए, यदि किसी की का विवाह न हो रहा उसका विवाह संपन्न करने के लिए, ऐसे भौतिक भोगों के प्रति श्रद्धा है। और इसी उनकी अंधी श्रद्धा, इसको कहते हैं अंधी श्रद्धा। ऐसे अंधी श्रद्धा का लाभ उठाते हैं गैर प्रमाणिक लोग। लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा
बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसी श्रद्धा विकसित होती है। यानी श्रद्धा यानी कि ऐसा हमारा मन और बुद्धि ऐसे निर्मित होती है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, फिर भी हम उसमें विश्वास करते हैं। तो कोई पूछे कि ठीक है, तो संसार में लोग श्रद्धा रखते हैं, जैसे कोई जाता है बाल बनवाने तो नाई के पास तो श्रद्धा रखता है कि मेरा गर्दन नहीं काटेगा, वो कहता है नीचे बोलो तो नीचे करता है, बोलता है ऊपर तो ऊपर, लेफ्ट राइट, जाकर पूर्णतः शरणागत हो जाता है। लेकिन जब बात आती है भगवान के प्रति शरणागत होने की, तो वहां पे वो फिर हजार प्रश्न पूछता है कि क्या मुझे क्या लाभ की, किस लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे ही यदि हम जाते हैं ट्रेन में, एरोप्लेन में, तो जो हमें टिकट मिलता है उसमें हमें विश्वास होता है, इस टिकट से हम जा सकते हैं, और हमें यह भी विश्वास है कि इस रेलगाड़ी का जो चालक है वो बिल्कुल प्रशिक्षित है, ये वाईवान चालक है वो भी प्रशिक्षित है। लेकिन जब बात आती है अपने जीवन को सौंप देने की किसी के हाथ में, तो वहाँ पर हमें भय लगता है, पता नहीं वो व्यक्ति हमारे जीवन को किधर गड्ढे में तो नहीं गिराएगा। इसलिए कहते हैं श्रद्धामान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की मात्रा अनुसार ही हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। केवल ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हम कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना मानते हैं, कितना हमें विश्वास है इन बातों पे, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। जानने को तो भारत में हर व्यक्ति जानता है हम शरीर नहीं हम आत्मा है, पर क्या उसका आचरण आत्मा के तल पे है? लोग केवल और केवल शरीर को ही सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, और इसके कारण नई नई तकनीकों का ईजाद हो रहा है, और इन आविष्कारों का प्रयोजन क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी की में वृद्धि करना। तो पृथ्वी पर इतनी समस्याएं हैं उसका तो समाधान अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब चंद्रमा पे और मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी मूढ़ व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां पे प्लॉट भी खरीद लिए हैं। यानी वैज्ञानिकों ने उनको ऐसा ऑफर दिया कि ये भाव है और अभी से ही रिजर्वेशन कराना होगा, और कुछ लोगों के पास इतने धन है तुम लोगों ने लगा दिए वहां। लेकिन कोई व्यक्ति अंदर की यात्रा नहीं करता, सब बाहर यात्रा में लगे हुए हैं, स्पेस स्टेशन में जाना चाहते हैं। लेकिन अंदर की यात्रा यदि हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस अस्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते। वो कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएगा जब श्रद्धा ही नहीं है? तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या प्राप्त करेगा? मृत्यु संसार वर्तमनी, इसी मर्त्य जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में हमेशा वो पड़ा रहेगा, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में, और कभी कभी स्वर्ग की यात्रा करेगा, कभी नरक की यात्रा करेगा। लेकिन कहते हैं कि कभी उसके जीवन में यदि सौभाग्य का उदय हुआ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, यदि उसके सौभाग्य का उदय हुआ, कोई एक प्रमाणिक व्यक्ति मिल गया जो बिल्कुल उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल वो जीवात्मा को मुक्त करना चाहता है, जीवात्मा जो भगवान का अंश है भगवान से उसके संबंध को जोड़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं, तो उसकी प्रसाद उसकी कृपा प्राप्त होती है और वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो भगवान आगे के कुछ श्लोकों में बताएंगे, अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। तो भगवान ने पहले ही कह दिया, तो थोड़ा भक्त जो नहीं है वो सोचेंगे अरे देखो यदि मैं श्रद्धा नहीं रखूंगा तो फिर मैं इसी संसार में रहूंगा, चलो थोड़ी श्रद्धा तो रखूँ। तो आगे भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहेंगे कि माया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेसु अवस्थित। तो ये कुछ कठिन श्लोक है आने वाले 4 और 5, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज हम यही रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।